आज की इस वीडियो में हम लोग एक रूम का वायरिंग कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि हमारे घर के बाहर में एक खंभा लगा रहता है जिसमें कि LT कनेक्शन आया रहता है, उसमें का वायर हम लोग सबसे पहले हमारा जो घर के बाहर में जो मीटर लगे रहता है रीडिंग वाली, उसमें खंभा का कनेक्शन इस मीटर में आता है, उसके बाद इस मीटर से MCB में कनेक्शन हुआ रहता है। तो सबसे पहले ये जो DP कनेक्शन में DP MCB में आप MCB बॉक्स को देखते हैं, तो उसके बाद इसमें एक RCC भी लगे रहता है जो कि लीकेज पे ट्रिप करता है। उसके बाद हमारा बहुत सारा सिंगल एक पोल का MCB लगे रहता है जो हमारा 6 से 10 एम्पियर तक का लगे रहता है MCB। तो इसमें से हर एक MCB एक रूम के लिए पर्सनली लगे रहता है जो कि फेस वायर को इसमें लगाया जाता है। तो हम लोग DP कनेक्शन DP का सबसे पहले RCC में कनेक्ट करते हैं, RCC के बाद हम लोग चारों MCB में चार रूम का MCB में कनेक्शन करते हैं। उसके बाद ये जो हमारा न्यूट्रल का वायर है इसको हम लोग लिंक न्यूट्रल में ऐसे कनेक्शन कर देते हैं। इस रूम में हम लोग एक फैन, सीलिंग फैन और एक टेबल फैन का यूज़ करेंगे और साथ ही हम लोग इसमें एक बल्ब का यूज़ करेंगे जो कि 9 वाट का रूम में लगा रहता है, उसका बल्ब रहेगा और हम लोग चार स्विच का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक स्विच बोर्ड में चार स्विच का यूज़ करते हैं। तो इसका वायरिंग हम लोग सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला MCB है जो कि 6 एम्पियर का है, इसको हम लोग स्विच बोर्ड के सारे स्विच के निचले हिस्से में ऐसा कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद इस न्यूट्रल लिंक से इस टेबल फैन में न्यूट्रल कनेक्शन दे देते हैं, साथ ही इस बल्ब में और इस सीलिंग फैन में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रल का कनेक्शन है हमारा टेबल फैन से इस स्विच बोर्ड के इंडिकेटर में दे देते हैं। उसके बाद इस सब फेस का कनेक्शन हम लोग पहले बटन का टेबल फैन में, दूसरे का बल्ब में और तीसरे का हम लोग सीलिंग फैन में ऐसे कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इस इंडिकेटर को पहले ऑन करते हैं, तो देखिए हमारा इंडिकेटर जल चुका है। उसके बाद हम लोग इसमें बारी बारी से एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले पंखा का बटन ऑन करते हैं, तो इस तरह से हमारा पंखा रोटेट होगा जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग इस सेकेंड स्विच से देखते हैं कि हमारा सेकेंड स्विच से हमारा जो बल्ब है उसको ऑन करने से बल्ब इस तरीके से ऑन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस टेबल फैन का वायरिंग, तो टेबल फैन के लिए तीसरे बटन को ऑन करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस बटन को ऑन करते हैं तो ये हमारा टेबल फैन जलता है। इस तरीके से आपको एक रूम का वायरिंग इस तरीके से कर लेनी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।